साइरन 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 साइरन। मित्रों टीवी तो आप देख ही रहे होंगे और आपको पता चल ही गया होगा कि गोदी मीडिया के गिल्लू पिल्लू अपना टेंट तंबू नोएडा से उखाड़ करके अब इसराइल में ले जा करके गाड़ चुके हैं। जगह चेंज हो जाने से आदतें थोड़ी ना चेंज हो जाती है, वही मछली बाजार टाइप का हाँ हाँ करने की इनको आदत इतनी है कि इसराइल में भी जाकर वही कर रहे हैं। स्थिति तो ऐसी बना रही है कि खुद इसराइली सेना हड़का रही है कि अबे शांत हो जाओ भाई, युद्ध चल रहा है, तमाशा थोड़ी ना हो रहा है। किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट फट सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे समय छुपे हुए, इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है, लगातार कोशिश देखिए समय किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए हल्के हल्के उठने के पीछे। अब बताइए छुप करके जो सैनिक अपना कवर ले रहे हैं या फिर गोलियां चला रहे हैं, वहां पर इतना चीख रहा है। और आप ये देखिए कि कई और रिपोर्टर हैं अलग अलग जगहों के, लेकिन नहीं नहीं ये दिखा देते हैं कि ये कहां से है। कोई चिल्ला रहा है, कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई फोटो शूट करा रहा है। आप ये देखिए रिपब्लिक का ये रिपोर्टर, खाली जगह है, पूरी एकदम खाली है। पीछे आप देखिए आराम से गाड़ियां खड़ी हैं, लोग भी टहल रहे हैं, लेकिन नहीं अचानक से सड़क पे लेट गया कि बमबारी हो गई है, युद्ध हो रहा है, बमबारी हो रही है। और इन छोटे मोटे रिपोर्टरों को उनकी औकात दिखाने के लिए पहुंची बड़ी रिपोर्टर, एंकर है वो, रिपोर्टर कह के अपमान नहीं करना है, लेकिन बड़ी गोदी एंकर G14 की बायकॉटेड एंकर रुबिका लियाकत गई इसराइल और वहां पे खाली सड़क पे आराम से फोटो शूट करा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लोगों की विपदा के दौरान ये लोग फोटो शूट कराते हुए देखे गए हैं। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, अपने ट्वीट्स में, अपने पोस्ट में, हर जगह केवल यही बता रहे कि हम युद्ध कवर कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये युद्ध नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम युद्ध रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बार बार ये साबित करने, देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं युद्ध में हूँ, देखो। अबे तुम पत्रकार हो, तुम गए हो वहां पे, इसीलिए गए हो क्योंकि तुम्हें रिपोर्ट करना है। तुम ढंग से रिपोर्टिंग की जगह इजरायली सेना के साथ छुपे छुपे रिपोर्टिंग कर रहे हो। फिलिस्तीन जाने की तुम्हारी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन इनको वैलिडिटी चाहिए कि देखो मैं रिपोर्टर हूं और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे वैलिडिटी दो। सैलरी इसी बात की तो लेते हो तुम लोग, सैलरी के साथ साथ जो बाकी भी पैसे जो है पिताजी भेजते हैं वो भी तो तुम्हारे पास रहता है। करोड़ों में खेलते हो तुम लोग, तो अपना इतना तो काम तो करोगे ही ना। आप देख लीजिए लाइन से, रुबिका हुई, गौरव सावंत हुए या फिर बरखा दत्त भी हुई, ये लोग अपनी ही रिपोर्टिंग किए जा रहे हैं, अपनी ही मेहनत दिखाए जा रहे हैं कि देखिए हमें पसीने आ रहे हैं, ओ माय गॉड। बरखा दत्त ये पहले भी कर चुकी हैं, उन्होंने पहले भी कहा कि जिस दिन से कोविड शुरू हुआ मैं एकलौती रिपोर्टर थी जो फील्ड पे थी, हालांकि उस समय सैकड़ों चैनलों के सैकड़ों रिपोर्टर फील्ड पे थे। पहले दिन बॉर्डर पे खुद मैं भी थी रिपोर्टिंग के दौरान, एबीपी न्यूज में जब मैं रिपोर्टर थी। तो ये इस तरह का झूठ ये लोग बोलते रहते हैं ये दिखाने के लिए कि दुनिया में हम ही इकलौते सच्चे पत्रकार हैं। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ये सब के सब इसराइल में है, इनमें से एक भी फिलिस्तीन नहीं गया है। इसराइल जाने के लिए रातों रात इनका एक घंटे के अंदर वीजा एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये इसराइल गए नहीं है, ये भेजे गए हैं एक खास एजेंडे के तहत, प्रोपेगेंडा के लिए ये लोग वहां पे भेजे गए हैं। मैं कह तो रही हूँ जितना ये लोग फर्जी तरीके से पसीना वसीना दिखा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हम पत्रकार हैं, अगर सच में पत्रकार हो तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, आई चैलेंज यू कि तुम फिलिस्तीन से रिपोर्टिंग करके दिखाओ। विदेशी मीडिया फिलिस्तीन भी पहुंच रही है, इसराइल भी पहुंच रही है, लेकिन गोदी मीडिया के गिल्लू पिल्लू हिम्मत नहीं है कि इसराइल का बॉर्डर क्रॉस करके फिलिस्तीन में पहुंच जाए। ये सब के सब सैनिकों के साथ छुप छुप करके वही उनके तरफ की गोलीबारी दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी मेहनत कर रही है इसराइली सेना, देखिए इसराइल सेना के गुणगान कर रहे हैं। और रुबिका लियाकत जो बात बात पे रो देती हैं, उनको इसराइल के लिए बहुत जोर जोर से रोना आ रहा है। रुबिका को मणिपुर के लिए रोना नहीं आया था, ये बात याद करिएगा, मणिपुर के लिए नहीं रोए, इनमें से कोई भी मणिपुर नहीं गया, लेकिन सब के सब इसराइल के लिए पहले पहुंच गए हैं एजेंडे के तहत। भैया मणिपुर जाने के लिए तो तुम्हें वीजा भी नहीं लगेगा, आराम से जा सकते थे। जब तक पापा का आदेश नहीं आया तुम लोगों ने एक डिबेट नहीं कराई, और आदेश भी ये आया कि अबे हमारी इज्जत बचाओ क्योंकि वायरल हो रहे हैं वीडियोस, लोग सवाल करने लगे हैं, तब जाकर के मुहिम चली, व्हाट अबाउटरी करना शुरू कर दिए कि भैया अगर तुम राजस्थान पे नहीं बोलते हो तो मणिपुर पे मत बोलो। यानी मुहिम चली पिताजी को बचाने की, मुहिम चली जनता को चुप कराने की। ये इतने लोग जो वहां पे गए हुए हैं, अब देखिए रुबिका हर समय जो इसराइल में इतना बुरा हो रहा है इसराइल कर रही थी,
हमास की अटैक को लेकर के, हमास का आतंकी अटैक हुआ उसके बाद से इसराइल ने जो वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं उस पर एक शब्द ये लोग नहीं बोल सकते। गाजा के जिस अस्पताल को उड़ाया गया जिसमें 500 से ज्यादा लोग मर गए, जो अस्पताल में थे उस समय इलाज करा रहे थे, उन लोगों के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो हमास के आतंकी थे जो वहां पर इलाज कर रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे वहां पे एडमिट थे जिनको मार दिया गया इस तरह से बमबारी में, वो आतंकी थे। इनके आंसू केवल हत्यारों के लिए निकलते हैं, इनके आंसू केवल अन्यायियों के लिए निकलते हैं। और आप देख लीजिए ना, आप करंट ट्रेंड इनका देख लीजिए पिछले कई सालों से, कि ये जहां पे अन्याय हो रहा होगा ये अन्यायी के साथ खड़े होते हैं, कहीं हत्या हुई है तो ये हत्यारों के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ये खुद भी हत्यारे हैं, ये अपनी रक्त पिपासा को इसी तरह से शांत कर रहे हैं। कितना भी ये लोग सूट बूट टाइट पहन करके और कितना भी मेकअप थोप करके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करें, असली चेहरा, लेकिन इनका चेहरा सबके सामने आ चुका है। सबको पता है कि ये तानाशाहों के साथ है, सबको पता है ये जनता के विरोध में है। इन्हीं हत्यारों के लिए लिखा गया, जो इतने चिकने चुप रहे हैं ना, इन्हीं हत्यारों के लिए समर्पित है इसे ये शेर, कि दामन पे कोई दाग ना खंजर पे कोई छीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया के इस तरह के करामातों को हम सामने लेकर के आते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, अगर सहमत है तो, नहीं है तो भी कर सकते हैं, ये लोकतांत्रिक स्पेस है, यहाँ पे मिल करके बातचीत करेंगे लेकिन भद्र भाषा में। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।